guys, welcome and welcome back to my channel. I hope you're doing well and staying safe. So in today's video, as you all have read from the title of this video, कि मैं आपको pre-stitched साड़ी दिखाने वाली हूँ अपनी. So एक साड़ी है, हमने कुछ दिन पहले बनाई थी for me only, for myself only. बट मैंने उसको अभी पहना नहीं है और मैं तब से प्लान कर रही थी कि मैं वो साड़ी आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी. बिकॉज मैंने वीडियो के लिए ही बनवाई थी पर्पजली. एक्चुअली एक क्लाइंट को गई थी ये साड़ी, उन्होंने ऑर्डर दिया था. सो उस टाइम पे उनके लिए पूरा सेट गया था विद ब्लाउज, स्टिचिंग, एवरीथिंग. बट मैं उस टाइम पे वो वीडियो बना नहीं पाई थी. और मैं क्लाइंट का पिक्चर अटैच कर दूंगी. शी रियली लव्ड इट. बहुत सारी पिक्चर्स उन्होंने मुझे शेयर की थी आफ्टर वेयरिंग द साड़ी और अपना फीडबैक भी शेयर किया था. काफी खुश थे वो. बट द थिंग इज कि वो क्लाइंट को चले गए और मैं आपको वो दिखा भी नहीं पाई. सो आई जस्ट थॉट कि मैं खुद के लिए भी सेम टाइप का चीज बनवाऊंगी एंड आई विल कीप इट फॉर द लाइक सैम्पल, कि मुझे और क्लाइंट्स अगर दिखाना हो और फॉर द वीडियो शूट. तो बस इस पर्पज से हमने किया था. क्लाइंट के लिए हमने ग्रीन कलर का ब्लाउज चूज किया था बिकॉज साड़ी में जो मोटिव्स बने हुए थे फ्लावर के, उसमें ग्रीन का शेड था, ऑलिव ग्रीन सा शेड था. बट मेरे साइज का अभी मेरे पास ब्लाउज अवेलेबल नहीं था एंड जो अवेलेबल था वो मेरे साइज का नहीं था. तो मैंने उसको ऑब्वियसली ऑल्टर नहीं करवाया बिकॉज मेरा वीडियो बहुत सडन होता है कि हाँ चलो आज टाइम है, चलो चल के बना लेते हैं. सो इस वजह से ये मेरे पास ब्लाउज था. तो मैंने पिंक और पर्पल भी बहुत अच्छा एक दूसरे के संग कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने ये ब्लाउज को पहना. इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्लाउज आई हैव बिकॉज इसमें ऐसे ये पान नेकलाइन है एंड आई जस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नेकलाइन आई ओन. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पान नेकलाइन का कर्व और भी जिस तरह से मेरे शोल्डर्स से और पूरे ऐसे नेकलाइन पे आता है, आई जस्ट लव इट. सो ये ब्लाउज मैंने पहना और या मैंने सोचा कि मैं चलो आप लोग को दिखा देती हूँ. सो मेकिंग अ pre-stitched साड़ी इज नॉट रियली अ न्यू कॉन्सेप्ट कि हम कुछ बहुत बड़ा सा चेंज लेकर आ गए. देर आर सो मैनी ब्रांड्स, देर आर सेवरल बुटीक्स जो कि ये काम करते हैं. सो जस्ट लाइक दैट वी आर डूइंग एज वेल. बट द थिंग इज कि हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग, देर आर सो मैनी ब्रांड्स जो कि इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं. एंड अभी तो कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि आपको साड़ी में पॉकेट्स भी दे रहे हैं. सो विच इज़ लाइक रियली अ न्यू कॉन्सेप्ट. और एक तरीके से अगर ये डेली रेगुलर एक्टिविटी में ला रहा है फॉर द यंगस्टर्स तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. बट अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग अ नॉर्मल साड़ी. और बिकॉज हमें बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू ड्रेप द साड़ी, सो प्लीज़ आप हमारी साड़ी को प्रेस्टिज बना दो. तो दिस इज ऑल्सो द रीज़न क्योंकि बहुत लोग को ड्रेपिंग नहीं आती है. बट आजकल जो साड़ी के मटेरियल आ रहे हैं वो भी कुछ ऐसे आ रहे हैं ना कि उनमें ड्रेपिंग होती भी नहीं है जल्दी. और अगर आप उसको पहन भी लोगे ना, यू आर गोइंग टू लुक वेरी फ्लफी बिकॉज जो इंडियन वुमेन स्ट्रक्चर होता है, हमारा हिप का पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स. अभी आप बहुत फूला फूला, देर इज नथिंग कि आप थोड़े से फैट लग रहे हो एंड वो चीज़ गलत है. बट कोई भी बल्कि नहीं लगना चाहता, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग ऑल द अदर वुमेन्स. कोई भी, अगर कोई बहुत पतला भी है ना, कोई नहीं चाहेगा कि मैं मोटी लगूँ कुछ पहनने के बाद में. सो जो मेजॉरिटी है वो उस चीज़ को अच्छे से ड्रेप नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी लोग प्रीस्टिच को प्रेफर करते हैं. और या और कभी कभी लोग इसको डिमांड करते थे खोल दो, तो वो दैट इज ऑल्सो अ टफ जॉब. बट अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे. सो फिर क्या हुआ, सो या चलो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये एक फैब्रिक हमारे खुद के ही ब्रांड का ये फैब्रिक है. इसमें हमने कुछ टॉप्स एंड ड्रेसेस भी बनाई थी एंड नाउ वी आर कमिंग विद द साड़ी एज वेल. सो दिस इज द साड़ी. सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर इसमें ये स्ट्रेट फैब्रिक हमने करके बेल्ट बनाई हुई है. यहाँ पर ये हुक लगा हुआ है. देन ये हमने पीछे इलास्टिक ऐड की हुई है. द रीज़न फॉर एडिंग द इलास्टिक सो दैट कि बैक से जो है ये गैप ना रखे और आपकी वेस्ट पे अच्छे से टाइट होके फिक्स हो जाए. और फिर यहाँ पे हमने इसको एक टाइट फिटेड बेल्ट की हुई, ये वाला पोर्शन आपके अंदर चला जाता है, देन ये बैक पे आता है एंड देन ये वाला पार्ट आपके मेन ऊपर आता है एंड हेयर इज द प्लीट. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हुक लगा हुआ है. यहाँ पे डबल आई बनी हुई है, कहाँ गई, यहाँ पर डबल आई बनी हुई है जिसमें भी आपको टाइट फिटेड फील हो आप वहाँ पे इसको
टक करें और फिर उसके बाद इसमें ऑलरेडी कोई प्लीट्स स्टिच हैं, आप इसको आराम से बैक साइड से ला के इसको अपने शोल्डर पे रखें। हमने शोल्डर पे भी इसको स्टिच ये फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट सूदिंग सा फैब्रिक, कलर इज ऑल्सो वेरी नाइस। एंड इस तरीके से आप इसको शोल्डर पे रखें एंड यू आर डन। मतलब अगर मुझे साड़ी पहनना है सो दिस इज़ फॉर मी इट्स लाइक अ 10 सेकेंड्स वाली चीज़, तो इतना ईजी कर देता है आपके जॉब को। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल कि ये कैसा लग रहा है। सो या गाइज, आई होप आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हो। और अभी मेरे पास पेटीकोट नहीं था तो मैंने ये स्कर्ट थी मेरे पास तो मैंने इस स्कर्ट को पैर कर लिया है, विच इज़ पेंसिल स्कर्ट। और ये मेरी साड़ी है। सो या अब हम इसको पहन के दिखाएंगे आपको। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट हमारे अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट उसके ऊपर आएगा। इतना इजी बना देता है ये आपके साड़ी पहनने के ड्रीम को, क्योंकि अगर किसी को स्टिचिंग नहीं आती, मैंने हील्स एंड ऑल कुछ भी कैरी नहीं किया है, और अगर आप कुछ भी कैरी ना करो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट या आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, अगर थोड़ा नीचे से पैर करना है थोड़ा सा इसको लाइक आपको नीचे से पैर करना है तो वो भी कर सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा आएगा ये। और जस्ट बिकॉज आई लाइक दिस एट दिस हाइट, मुझे ये वाला पोर्शन अच्छा लगता है, मुझे बहुत नीचे से पहनना नहीं पसंद है, लो वेस्ट। सो या कुछ ऐसा लगेगी ये साड़ी। पीछे से इस ब्लाउज का यूनिक लाइन है, बहुत अच्छा लगता है ये। और इतना इजी था, अगर आपको ड्रेपिंग ऐसे पसंद है आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे पसंद है आप ऐसे भी कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ ड्रेपिंग द साड़ी। सेकेंडली, अगर आप सीधा पल्ला पहनना चाहते हो लाइक विच इज नॉट रियली इन एज पर द सीजन, बट आप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। बहुत सारे लोग पहनते हैं, आप कुछ ऐसे इसको टक कर सकते हो एंड कुछ ऐसा लगेगा ये। देन वी कैन डेफिनेटली आप इसको खोल दो और आप इसको एज अ लहंगा साड़ी स्कर्ट पहन सकते हो, थोड़ा सा कुछ ज्वेलरी ऐड कर सकते हो, अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, कुछ इसको ऐसा दुपट्टा एंड देन देयर इज अ धोती काइंड ऑफ स्कर्ट, जो कहते हैं ये साड़ी धोती स्कर्ट टाइप का होता है, कुछ ऐसा आप लुक करके अपने ब्लाउज को थोड़ा गॉडी बना के लाइक लेसेस लटकन एंड ऑल दैट, ऐसे कुछ करके आप ऐसे स्कर्ट सेट भी पहन सकते हो। सो या अभी के लिए हम इसको क्लासिक रखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड माय फेवरेट वन। या सो जैसे मैंने आपको अपनी साड़ी दिखा दी, मुझे एक और चीज दिखानी थी आप लोगों को, माय मेकअप। सो आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है आज, आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। सो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस बेस। एक्चुअली रात हो रही है ना, और रात में ऐसा लाइटिंग का सेटअप हो जाता है कि बहुत ज्यादा मेकअप नहीं भी करो तब भी इट लुक्स वेरी मच। और अभी तो मैंने किया भी बहुत, आई एम नॉट गोइंग टू से मैंने बहुत ज्यादा किया नहीं है, मैंने किया है बट बेस पे उतना नहीं किया है, बट ऑब्वियसली जन अपनी आईज बहुत ब्लिंगी ब्लिंगी बनाई है और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है। एज यू ऑल कैन सी द बोथ साइड्स, बहुत ही प्यारी ब्लेंडिंग हुई है, बेंडिंग कह रही हूँ। और द पैलेट आई हैव यूज्ड इज दिस वन, स्विस ब्यूटी। अभी तक ये मैंने आई थिंक मंगवा रखा है, एक महीने पहले लिया था मैंने इसको, और अभी तक मैंने इसको कुछ यूज नहीं किया है, बस मैंने इसका थोड़ा सा ब्राउन शेड यूज़ किया था बीच में, बट आई थिंक इट हैज़ डन अ वेरी नाइस जॉब। मतलब आप मेरा बॉटल दिख रहा है, कैमरा सेटअप दिख गया। सो एज यू ऑल कैन सी ऑल द पिगमेंट्स, इट इज़ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। सो अभी मैंने जो लगा रखा है दैट इज़ दिस वन, लाइक एज यू ऑल कैन सी, थोड़ा सा भी टच करो ना, इसका पिगमेंट इज रियली नाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा पिगमेंट है। या एंड द सेकेंड वन जो मुझे बहुत अच्छा लगा था इज दिस वन,
या आप हाईलाइटर लाइक नोज हाईलाइट करनी है कुछ करनी है उस पर भी यूज़ कर सकते हो सी। और ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी डस्टी सा है। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर ग्लिटर डस्ट बट फिर मेरा ये आई शेडो पर नज़र चला गया एंड आई जस्ट थॉट कि मुझे यही लेना चाहिए सी। ये वाला भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब स्किन पे तो ये और भी ज़्यादा मतलब काफ़ी ऐसे वॉटरी टेक्सचर सा आ जाता है सी, कितना अच्छा लग रहा है ये। सो या आज मैंने कॉन्टोर भी बहुत ही मतलब बिल्कुल चिजल्ड करके किया था अपने फेस पे एंड देन आई मेकअप वॉज रियली हैवी। मैंने ब्राउन एंड पर्पल से अपनी कट क्रीज पे ब्लेंडिंग किया था एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक भी यूज़ किया था फॉर द आउटर कॉर्नर एंड बीच में आई हैव यूज्ड दिस ग्लिटर डस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, सो या आई थिंक आई हैव डन अ वेरी प्रिटी जॉब। सो या आई जस्ट थिंकिंग आई शो दिस वन विद यू कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और करती हूँ, ओहो ये नहीं करना चाहिए था बट कोई नहीं। आई लव ग्लिटर्स फॉर फैब्रिक्स, आई लव सीक्वेंस, आई एम अ सकर फॉर सीक्वेंस, आई एम अ सकर फॉर ग्लिटर्स और न्यूड ग्लॉसी लिप्स। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे न्यूड ग्लॉसी लिप्स। सो या ये वाला पैलेट देख लेना, 20 शेड्स हैं इसमें, द मिस्टिक ग्लैम इस नाम से है। अगर मुझे लिंक मिला तो मेरे नीचे मुझे क्या आता है, जब भी कुछ मैं सोच के बोलती हूँ ना तो मैं ऐसे ब्लर करने लगती हूँ। सो या मैं अगर मुझे लिंक मिल गया है इसका तो मैं नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में सो दैट कि आप भी घर से एक्सप्लोर करो इस प्रोडक्ट को। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्रोडक्ट है, जस्ट लुक एट माई आई मेकअप, आई एम ऑब्सेस्ड। सो या आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो और मुझे बहुत ही मज़ा आया। आई होप कि आपने भी काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा कुछ अपने लिए बनवाना है और ये साड़ी का ऑर्डर प्लेस करना है देन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, आप हमें बताएं और अपना ऑर्डर भी आप हमें थ्रू इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप नीचे कॉमेंट में प्लेस कर सकते हो। विल गेट बैक टू यू सून उसके बाद एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा और अगर आपको अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।